हरे कृष्णा। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, लेकिन सुखी रहने के पहले उसे एक चीज़ और चीज़ की आवश्यकता होती है, वो होती है सुरक्षा। जब तक आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तब तक वो सुखी नहीं रह सकता है, ये संभव नहीं है। तो व्यक्ति को सुखी रहने के पहले अपने को सिक्योर महसूस होना बहुत जरूरी, सिक्योरिटी चाहिए उसको, सुख सुरक्षा की भावना चाहिए। और इस दुनिया के जगत के लोग सिक्योरिटी तो लेते हैं मगर फॉल्स सिक्योरिटी लेके रखते हैं। कोई सोचता है मेरे बैंक में बहुत बैंक बैलेंस पैसा है तो मैं सिक्योर हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ी कोठी है तो मैं सिक्योर हूँ। तो इस तरह से लोग ऐसी भौतिक सुख सुविधाओं को रखने के बाद अपने आप की सिक्योरिटी की सोचते हैं हम सुरक्षित है, लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं है। कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े धनाढ्य जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत धन है, इन्हें खुद पता नहीं इतना धन है, इतना होने के बाद भी उनके घर से उनका धन चुरा लिया जाता है। और चुराने वाला व्यक्ति भी बाहर का नहीं घर के अंदर का ही होता है। या ऐसा भी सुनने में आता है कभी कभी कि लोग बड़े बहुत जो धनवान लोग होते हैं बड़ी लंबी सिक्योरिटी रखते हैं, बहुत बड़ा जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, घर बाउंड्री पर करंट का वायर लगा हुआ है, वो बोलते हैं कमांडोज घूम रहे हैं, डॉग्स घूम रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी देखा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है, उनका मर्डर किया जा सकता है, हो जाता है, ऐसा देखने में आता है। तो कहने का भाव ये है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, लेकिन सुरक्षा लेना कहाँ है, उसके लिए बुद्धिमान होना चाहिए। और सुरक्षा देने वाले केवल एक व्यक्ति हैं और वो हैं भगवान श्री कृष्ण। ओनली कृष्णा कैन प्रोटेक्ट अस। तो इसमें बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन हम शॉर्ट शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि अगर हम शास्त्र उदाहरण लें पितामह भीष्म का, ये पितामह भीष्म जब महाभारत की कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। सोचिए, जिस व्यक्ति को वरदान है कि आपकी इच्छा जब होगी तो आप मरोगे, नहीं तो आप मरोगे ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को कौन मार सकता है। लेकिन फिर भी भगवान ने पितामह भीष्म को देखिए मरवा दिया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि पितामह भीष्म शरीर का त्याग करें। वहीं दूसरी तरफ एक 5 साल छोटा सा बालक प्रहलाद महाराज, जिसके ऊपर इतने अत्याचार किए, और अत्याचार करने वाला व्यक्ति बाहर का नहीं, उनके खुद के घर के व्यक्ति, उनके अपने खुद के पिता थे, क्या नहीं किया उसको, पहाड़ से कुदवाया, उबले हुए तेल में उनको जलाने का प्रयास किया गया, हाँ पागल हाथी से कुचलवाया, जो कर सकते थे उसे मारने के लिए रोज किया। प्रहलाद महाराज के लिए रोज उनकी मृत्यु तैयार करती थी, तभी प्रहलाद महाराज जरा सा भी विचलित नहीं हुए इन परेशानियों में। हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी कुछ कड़वे वचन बोल दिया, कुछ कमेंट कर दिया, कुछ बोल दिया, हमें कोई चीज़ मिली नहीं, कभी प्रसाद नहीं मिला, कभी किसी ने कुछ कह दिया, तो घंटों दिमाग में बात घूमती, कभी दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक लोगों के दिमाग में बातें घूमती रहती। उसने ऐसा बोला तो बोला कैसे, आई विल टेक रिवेंज, बदला लूंगा मैं उसको, सिखाऊंगा। प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को एक बार भी दोष नहीं दिया, एक बार भी दोष नहीं दिया उन्होंने कि ये मेरी मृत्यु का कारण, इन्होंने मेरे को अटेम किया है। तो कहने का भाव ऐसा क्यों होगा कि भगवान प्रहलाद महाराज की सुरक्षा करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ एक द्रौपदी देवी भगवान की महान भक्त, जब उनको उस असा सभा में लाया गया और उनका दुर्योधन ने उनके भाइयों ने उनका अपमान, दुशासन ने अपमान करने का प्रयास किया, उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। द्रौपदी देवी कोई साधारण नारी नहीं थी, विश्व की साम्राज्ञी थी, वो कुलवधू थी, वो कौरव वंश की। उसको इस तरह से भरी सभा में सबके सामने इतना अपमान किया करने का प्रयास किया गया। और जब द्रौपदी देवी ने देखा कि मेरी लाज अब कुछ नहीं रख पाएगा, उनके 5 पति को सहनपति नहीं थे, पूरे दुनिया के सब विश्व विजेता थे वो अपने अपने क्षेत्रों के, फिर भी रक्षा नहीं कर पा रहे, तब जब उन्होंने बोला हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए, तुरंत भगवान उनको संरक्षण दिया। दूसरी तरफ दुर्योधन महान शक्तिशाली था, उनको गांधारी ने वरदान दिया था उनको, उसका पूरा शरीर गांधारी देवी ने अपनी पतिव्रता की शक्ति से लोखंड के माफी लोहे का शरीर बना दिया था, फिर भगवान ने देखी बुद्धि लगा कि दुर्योधन को मार दिया। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो हमारे को सुरक्षा केवल भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, प्रभुपाद जी एक छोटी सी पुस्तक ऑन द वे टू कृष्णा, इससे प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर व्यक्ति को सुख चाहिए तो उसको क्या होना चाहिए। प्रभुपाद जी ये नहीं बोलते कि धनवान होना चाहिए, ये नहीं बोलते कि बलवान होना चाहिए, ये नहीं बोलते कि रूपवान होना चाहिए, वो बोलते हैं यदि व्यक्ति को सुख चाहिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान कौन है, जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, साधुगुरु के मार्गदर्शन भगवान का भजन करता है,
वह बुद्धिमान है क्योंकि वह सही जगह शरण लेता है। तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमें सुरक्षा चाहिए, सुख चाहिए, तो हमको केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। और शरण लेने का सबसे आसान तरीका, आसान माध्यम भगवान ने हमको दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।